वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक महीने तो जो गुरमत प्रचार क्लासा चल रही सन पिंड सिंघा दी सलौदी सिंघापति विखे, अज उसकी समाप्ति हुई है। बच्चों का सन्मान किया गया है, जिस विच गुरद्वारा साहब के प्रबंधक कमेटी मैंबर हैड ग्रंथी भाई कुलदीप सिंह जी हाजिर रहे। बाबा जी, पहला सवाल यह है भी जिहड़ियां क्लासां ने एक किन्ने क साल तो लग रही हैं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बच्चों दी गुरमत दी क्लासां लगभग 10-15 साल तो हर साल ही जदों बच्चों नूं छुट्टियां हुंदियां हन इह क्लासां लगदियां लगातार आ रही हैं। बाबा जी, इस विच बच्चों नूं की कुछ सिखाया जांदा है गुरबाणी बारे? इन्हां दे विच जो बच्चे नितनेम करते हैं, नितनेम दे विच जो बच्चे गलतियां करते हैं, भाव गुरबाणी की संथ्या कराई जाती है, पाठ शुद्ध करवाया जाता है, गुरमतियां विचारां, गुरु घर की मर्यादा, गुरु घर का इतिहास, ये सारिया विचारां गुरमत क्लासा दे विच बच्चों नूं सिखाई जांदियां ने। बच्चों के नाल विचार बदांदरा सांझा किया जाता है। बाबा जी, कुछ गुरद्वारा साहब के इतिहास बारे दसा जाए जो कि बच्चों नूं जानकारी होवे। गुरद्वारा साहब शहीद बाबा अली सिंह ते शहीद बाबा माली सिंह दा यादगारी स्थान है। शहीद बाबा अली सिंह ते शहीद बाबा माली सिंह जी इत्थों दे सिंघाणी सलौदी दे जंपल सन, अते बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज दे विच रल के उन्हां ने सूबे सरहद नूं सोधिया अते सरहद फतेह कीती। सरहद फतेह होण तों बाबा आदि सिंह जी की योगदान देखते हैं, अपने बाबा आदि सिंह जी को सरहद का सरहद फतेह होने तो बाद नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये गुरद्वारा साहब शहीद बाबा आदि सिंह और शहीद बाबा माली सिंह का यादगारी स्थान। अज समाप्ति के समय बाबा जी, तुसीं बच्चों नूं की संदेश देना चाहोगे? सारे बच्चों नूं लगातार असीं 5 जून तो यह गुरमति क्लासा शुरू हुई और अज 12 जून नूं यह समाप्ति हुई है, और सारे बच्चों नूं गुरमति नाल जोड़िया जांदा और गुरमति विचार गुरबाणी संथ्या इन्हां दिनां दे विच चंगी तरह दृढ़ करवाई गई है। हुण भी बच्चों नूं यही संदेश है कि अपने स्कूल की जिहड़ी पढ़ाई है वो वध तों वध करो, वो अपने पंजाबी तो बिना होर जिन्नी भी भाषावां हन वो वध तों वध सिखो, पर पंजाबी जिहड़ी है गुरमुखी ये साडी मात भाषा है, ये सानू जरूर आनी चाहीदी है क्योंकि साडा इतिहास अते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गुरबाणी पंजाबी दे गुरमुखी विच है। देखण भी चाहुंदा कि अजकल दे बच्चे पंजाबी जिहड़ी है गुरमुखी जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ कमेटी वालों तह दिलों धन्यवाद किया जाता है, जिन्होंने बहुत ही अपना कीमती समा कढ के जो गुरमत दियां क्लासां चलियां सन शहीद बाबा अली सिंह शहीद बाबा माली सिंह के गुरद्वारा साहब विखे, इन्होंने सानू बहुत बच्चों ने भी इन्हां दे परिवारों ने भी बहुत सहयोग दिता है। कमेटी वालों हर साल इस तरह उपराले किए जाते हैं कि बच्चे गुरमुखी नाल अते पंजाबी नाल अते अपने धर्म के नाल जुड़े रहन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरप्रीत सिंह मान अज तुहानू शहीद बाबा अली सिंह अते शहीद बाबा माली सिंह जी का जीवन इतिहास समझा रहा हाँ। शहीद बाबा अली सिंह अते शहीद बाबा माली सिंह गुरु सिंह भरा सन, उन्हां दा पिंड सलौदी सिंघां दी है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी पासों अमृत पान किया। बाबा अली सिंह अते बाबा माली सिंह गुरमे सूबा सरहद तों नौकरी करते सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर छोटे साहबों का बदला लैण लई सूबे सरहद ने बाबा आदि सिंह बाबा माली सिंह अपने को सद्या, कहने लगा मैं सोने
सिख होर आ गया उन्होंने भी मेरे को लेके आओ उन्होंने भी मैं उत्थे भेज देना जिसे मैं दूसरे पुत्रों से सूत्र में अपने से बहुत माण से क्योंकि बड़े बड़े शुभाना ने भी सरहद का अफसर सरहद शीर रख मतलब शेर की कृपा फिर बाबा अजय सिंह के बाबा मानी सिंह सूत्र सरहद को सिर रूपे उत्तर चले जाते हैं फिर अगे वो पुछ पुछ के अपना जत्था लैके अगे पुछ के शेरी खंडा जिबला के नेड़े हरियाणे के लग गया उत्थे पहुँच के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को रल मिलते हैं फिर उत्थे रल के अपने सरहद उपर हमला करते हैं सूबे सरहद को मार के इट न इट खड़का के सूबे साहब का गजरा लैके उत्थे केसरी निशान साहब चढ़ा दिए फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बाबा अजय सिंह जी उत्थे दे नायब सूबेदार बना दिए हैं असीं इस गल से बहुत माण करते हैं कि असीं इस पिंड के जंपल जिथे महान योधे बाबा अजय सिंह और बाबा माली सिंह ने जन्म लिया वाहेगुरु जी की फतेह।